वेलकम बेक। राज्य सरकार मंत्रीओ 2022 की चूंटणी अंतर्गत प्रवास में महसूल मंत्री राजेन्द्र त्रिवेदी दरियापुर विधानसभा की मुलाकाते छे। मंत्रीओना प्रवास अंगे राजेन्द्र त्रिवेदीए निवेदन आप्यु। तमाम मंत्रीओ एमएलए नो तमाम बैठको माटे प्रवास नक्की करायो छे। विधानसभा में कामगीरी समस्या ने नबळा बूथों चितार मेळवाशे। 3 दिवस प्रवास बाद मंत्रीओ बैठक आधारित रिपोर्ट करशे। रिपोर्ट बाद 2022 की भाजप रणनीति घड़शे। 2022 गुजरात विधानसभा की चूंटणी नजीक आ रही है त्यारे भारतीय जनता पार्टी द्वारा तमाम प्रकार की तैयारी है कर दी रही है। त्यारे महत्वनी बात यह है कि तमाम राज्य सरकार मंत्रीओ है 182 विधानसभा की बैठकों में प्रवास आयोजन है कर आप दृश्य में जी रहा कि दरियापुर विधानसभा प्रवास है राजेन्द्र त्रिवेदी जे कैबिनेट मंत्री है कर रहा है। कैबिनेट मंत्री आ प्रवास दरमियान 3 दिवस दरियापुर अंदर बितावशे और विविध प्रश्नों राज्य सरकार प्रश्न हो तदुपरांत मतदारों प्रश्न होम प्रश्नों तेनी लई और रूपरेखा है जोशे साथ प्रश्नों के निराकरण थी सके राज्य सरकार से प्रयत्न कर रही है। अंतर्गत की बातचीत है प्रवास अंतर्गत कर रही है। अपनी साथ राजेन्द्र भाई से सीधी बात करूँ। राजेन्द्र भाई, राज्य सरकार द्वारा 3 दिवस प्रवास आयोजन कर आप दरियापुर विधानसभा अंदर प्रवास कर रहा छो, शू रोडमेप तैयार कर मंत्री आ प्रवास है कर रहा है? दरेक मंत्री दरेक धारासभ्य पोतानी विधानसभा नहीं परंतु अन्य कोई विधानसभा नी अंदर संगठन तरफ थी नक्की करेली छे ए विधानसभाओं में जवानु छे। अमारो प्रयास छे के हूँ बीजी विधानसभा में जाऊँ, मारी विधानसभा ज्यांथी हूँ चूंटातो हूँ त्यांथी अन्य कोई जाए तो साची परिस्थितिनो ख्याल आवे, क्रॉस चेकिंग थाय। पार्टी खूब गंभीरताथी आ विषय ने लई रही छे कारण के संगठन अने चूंटायेली पांख में घणीवार अमने एवुं जोवामां आवे छे। दाखला तरीके आ विस्तार नी अंदर ज अमे अत्यारे जईने आव्या तो केटलाक लोकोने गेसना कनेक्शन मळ्या नथी ने केटलाकने मळी शके एम छे, एमना फॉर्म भरावाना बाकी छे। एटले अमे कार्यकर्ताओने सूचना आपीशुं, अमे एना वोर्ड प्रमुखशीने कहीशुं के आ केम बाकी रही जाय छे, एना काउन्सिलरशी आमां मेहनत करशे। एवी ज रीते अमे विस्तारनी मुलाकात लीधी ज्यां आगळ તાઉતે વાવાઝોડા વખતે દિવાલ પડી જવાના કારણે એક નાના બાળકનું મૃત્યુ થયું, એને મૃત્યુ સહાય 4 લાખ રૂપિયા આપવામાં આવી સરકાર તરફથી। अहींना कार्यकर्ताओ काउंसिलर मित्रों संगठनना मित्रों भेगा थईने रजूआत करी अने सरकारे ए क्लेम मंजूर कर्यो। अमे ए जोईए छीए के अहीं आगळ जे सफाई कामदारो छे ए कामदार एमनुं काम व्यवस्थित थाय छे के केम, आ जे शौचालय छे शौचालय आजे जोवामां आव्युं अने त्यां गंदकी हती, तरत सूचना आपी के आ रोजे रोज पूरुं साफ थवुं जोईए। एणे कीधुं साहेब जो आखा दिवसनो अत्यारे सवारना बपोरनो समय छे, बपोर सुधीमां बधा घणा आवेला छे एटले सफाई थोड़ी बाकी छे, नहीं चाले। आ जारे ध्याने आवे छे तो अमे एमने कहीए छे आ अर्बन हेल्थ सेंटर नुं आ मकान बनी रह्युं छे अहींया आगळ अने बे माळनुं बनवानुं छे, एनी कामगीरी शुं चाली रही छे ए एंजिनियर पासेथी नक्शामां जोयुं, क्या केटला समयमां थशे, मोडुं थयुं छे के केम, कोई मुश्केली होय तो कहो, तो ए बाबतनी चर्चा करी छे। कार्यकर्ताओ साथे आखा दिवसना 3 दिवसना आ प्रवास दरमियान अमे धर्मस्थानो पर जईशुं, अमे सरकारी कामकाज ज्यां चालू हशे त्यां जईशुं, कामकाजमां कोई भूल थई रही है, क्षति थई रही है, कोई फरियाद है, कोई आजूबाजूवाला फरियाद है कि केम, गरीब वस्ती नी अंदर अमे जईए छीए अने त्यांथी एमने क्या क्या प्रश्नों एमने जे सहाय मळवी जोईए राज्य सरकार तरफ थी ए सहाय मळी छे के केम, विधवा पेन्शन बहेनू कोई नू मळ्युं छे अटकी गयुं छे के केम, आ बधा ज प्रश्नों लईने चाली रह्या छे अमे, जेना कारणे जे गुजरात सरकार भारतीय जनता पार्टी नी सरकार छे अने केन्द्र सरकार पण भारतीय जनता पार्टी नी सरकार छे त्यारे अमने स्पष्ट सूचना है कि लोगों ने आ सहाय मळवी जोईए। राशन कार्डना प्रश्नों होय, कोई ने मां कार्डना प्रश्नों होय, आयुष्मान प्रधानमंत्री ना आयुष्मान कार्डना प्रश्नों होय, कोई जगह आवासना बांधकाम थता होय प्रधानमंत्री ना के मुख्यमंत्री ना, तो ये चेक करवा जेने कारणे एमां कामनी अंदर झड़प गति वधे अने लोकोनी सुविधामां एक ये थाय। तो स्वच्छता ए प्रथम मुद्दो छे, आमां स्वच्छता थोड़ी ओछी छे ए अमारा ध्यानमां आवे छे। प्रथम स्टेज में आप चैलेंजिंग बैठकों से एट्ले कि कांग्रेस गढ़ गणाती हो बैठक की मुलाकात कर रहा छो, साथ चैलेंजिंग बैठक जो होनी मुलाकात कर रहा छो, आ मुलाकात बाद कोई रिपोर्ट तैयार थे? रिपोर्ट पर काम करते? रिपोर्ट तैयार थी गयो गई काल रात सुधी में, गई काल आखा दिवस प्रवास दरमियान में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मळ्यो छूं। भारतीय जनता पार्टी जूना कार्यकर्ताओं जे लोग अत्यारे होद्दा पर नहीं अने हूँ तो बधा ज कार्यकर्ताओं ने कहूँ छू के सूर्य पश्चिम सूर्य जारे पूर्व में उगे छे ने तो पश्चिम में ढळे पण छे, एटले आजनो कार्यकर्ता काले निवृत्त थवानो छे। निवृत्त कार्यकर्ता होद्दा परथी
काले फरी ए आवानो छे, कारण के ए सूर्य पाछो पूर्व थी उगे छे। एक समन्वय जे छे ए समन्वय कार्यकर्ताओं वच्चे बहु जरूरी छे। अने आ वखते मने पूर्ण खातरी छे के आ दरियापुर नी बैठक भारतीय जनता पार्टी जीते छे। अनेक बैठकों एवी पण छे के जेमां रोडमेप तैयार थई रह्यो छे। साथ साथ जेपी नड्डाए જ્યારે વર્ચ્યુઅલ બેઠક કરી હતી ત્યારે તે કીધું હતું કે માઇનસ બેઠકો ઉપર ધારાસભ્યો મંત્રીઓ પણ કામ કરે, શું એ પ્રકારની રણનીતિ સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટી આગળ વધશે? સર, રોડમેપ છે અમારો, અમારી જે જીતતી બેઠકો છે, અને યુદ્ધની અંદર હંમેશા જ્યારે યુદ્ધના મેદાનમાં જઈએ છીએ, ચૂંટણીના મેદાનમાં જઈએ છીએ, લોકશાહી ઢબે, આ લોકશાહી ઢબે આ પ્રક્રિયા છે, અન્ય કોઈ પાર્ટી કરતી નથી આ પ્રક્રિયાને, અમે આ પાર્ટી આ પ્રક્રિયામાં માનીએ છીએ, લોકોની વચ્ચે જઈએ છીએ, લોકોના પ્રશ્નોને પૂછીએ છીએ, એમના પ્રશ્નોને હલ કરીએ છીએ, તડકો હોય, પરસેવો થતો હોય, ગમે તે હોય, મુશ્કેલીઓ હોય, પરંતુ લોકોની વચ્ચે જઈને કામ કરવું, લોકોની વચ્ચે, લોકોને પણ ધ્યાનમાં આવે છે કે આ એક જ પાર્ટી કામ કરે છે, ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ દિવસ રાત જોયા વગર, અમારા કાઉન્સિલર ભાઈઓ બહેનો, આ બંને બહેનો દિવસ રાત દોડે છે, તો એ કામગીરી શું કરી, કઈ કામગીરી બાકી છે? પથ્થર પેવિંગ મેં જોયું ત્યાં થયેલું હતું, પરંતુ એ તૂટી ગયું છે, હવે એનું રિપેરિંગ કામ આસાનીથી થઈ શકે એમ છે, એના માટે કોઈ સ્પેશિયલ બજેટની જરૂરિયાત નથી, એટલે મેં સૂચના આપી છે કે એ વિસ્તારના જે કંઈ પથ્થરો તૂટી ગયા હોય એને રિપેર કરાવો તમે, તો આ ફાયદો થાય છે, અને માત્ર ફાયદો નહીં, ચૂંટણી લક્ષી નહીં, પરંતુ લોકોના પ્રશ્નોમાં ફાયદો થાય, લોકોના પ્રશ્નો હલ થાય, એવો અમારો ભરચક પ્રયાસ છે। 2022માં આ કેટલો અસર કરશે પ્રવાસ? અરે, આ પ્રવાસથી એટલી બધી સીટો વધી જવાની છે ભારતીય જનતા પાર્ટીની કે જેથી સામા પક્ષને પણ ખબર પડે, અને અમે તો ઈચ્છીએ છીએ કે સામો પક્ષ પણ નીકળે રોડ પર, રોડ પર આવે, ખાલી પ્રચારાત્મક નહીં, નેગેટિવ નહીં, હકારાત્મક, અમારી રાજનીતિ હકારાત્મક રાજનીતિ છે, અને તમામ કાર્યકર્તાઓનું સંમેલન થવાનું છે પાછું, અને તમામને અમે સૂચના પણ આપવાના છે, એમના પ્રશ્નો પણ જાણવાના છે, અને એમાંથી એક નવો રસ્તો ખુલે છે, અને દરિયાપુર વિધાનસભાની અંદર અમે આ વખતે આ દરિયો પાર કરવાના છે। ચોક્કસથી, તો દરિયાપુર વિધાનસભાની બેઠકની જે ચિતાર છે તે મેળવી રહ્યા છે, અને તે આગામી દિવસોમાં જીતશે તે પ્રકારનો વિશ્વાસ છે તે વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે, અને સાથે સાથે તમામ જે બેઠકો ઉપર હાલ તો પ્રવાસ છે તે ચાલી રહ્યો છે, અને એનો એક રિપોર્ટ છે તે તૈયાર થશે, અને રિપોર્ટ આધારિત ભારતીય જનતા પાર્ટી છે તે આગામી દિવસોમાં ચૂંટણી રણનીતિ છે તે કરશે। કેમેરામેન નરેશ સોલંકી સાથે ગૌતમ શ્રીમાળી, વીટીવી